क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, मटन बीफ चिकन मछली और मंगलसूत्र। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ कमीशन। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई। जी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा, बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? क्यों ना डाए, उन्होंने कहा खून की नदियां। बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन, पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस और सपा ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और देश को बता दिया है कि मटन बीफ गोली पर बीजेपी की बोली लोकसभा चुनाव में काम नहीं कर रही है और 4 जून को पीएम मोदी की विदाई तय है। इस बीच बीजेपी ने भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर विपक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों की कथनी और करनी के बीच का अंतर जनता को समझाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस सपा समेत विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले दावे कर दिए हैं। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम दो विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। इंडिया के दावों पर सीएम योगी हमलावर हैं। सीएम योगी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नजरिए से सपा कांग्रेस की असल सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का 4 चरण सम्पन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन, पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा। सीएम योगी विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस पर देश के बंटवारे के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की नीतियों पर हमला कर रहे हैं। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है, जोर से बोलो है या नहीं है। ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है, धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चला नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडी अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है, पाक कॉपी कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और इंडिया की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभालते हुए बता दिया है कि ये चुनाव आखिर किन दो विचारधाराओं की लड़ाई है। चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार
किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। राहुल गांधी ने बीजेपी की सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो विकास के मुद्दे पर अपनी योजनाओं को गिनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले मछली, मंगलसूत्र, बीफ, मटन, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फर्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्योहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है। मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं, आप तुलना कीजिए क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोगों जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो, तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे हैं भाई, हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई किए, आरटीए किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का जनाधार की लड़ाई अब मटन, बीफ, मछली, मंगलसूत्र तक आ पहुंची है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार पर एक बड़े गोली घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई, उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं, जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धस गया इस बार, क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी चाहे नेतृत्व दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का, कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया, इन तमाम चीज़ों का जवाब। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया? आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। सपा के आरोप गंभीर, आरोप तो इस वक्त इंडिया गठबंधन पर भी गंभीर लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इंडिया के सहयोगी दल आरजेडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इंडिया को घेरते हुए नजर आए हैं। मित्रों, ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी ये मालूम है इनका, इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी जंगल राज दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ कमीशन, च फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं, ये तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? अरे भैया, मैं बिहार का ही रहने वाला था, तेल पिलावन लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी, अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे नौकरी? रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे, इसको हमको समझना चाहिए। देश के हर हिस्से में सियासत उफान पर है और सीएम योगी का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये जनता से झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। इन लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर समेत भारत के तमाम
महान व्यक्तित्वों का अपमान किया है, ये सत्ता में नहीं आएंगे। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पुण्य क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है, अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। दूसरा, झूठ बोल करके गुमराह करने की जो राजनीति करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी की भी जब प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का कितना बड़ा अपमान किया था, क्या ये सच नहीं? 2012 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इन्होंने कहा था कि यहां पे जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए इन सबको तोड़ करके यहां पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा कर दिया और काशी को प्लूटो बताने की कोशिश की है। हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। बहरहाल सियासत गर्मा गई है और देश भर में जनता के मुद्दों से हटकर अलग अलग बयानों से होते हुए एक ऐसी राह पर निकल चुकी है जिस राह के हर एक कदम पर सिर्फ और सिर्फ नए दावे, नए वादे और नए नए सियासी बयानों की भरमार भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।